साथियों, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सब सोए होंगे, नींद में होंगे, पता है मुझे। देर रात मैं आपको आपकी निद्रा से जगाने का यह दुस्साहस कर रहा हूँ, क्षमा करना मुझे। किंतु एक भारतवासी होने के नाते, एक सन्यासी होने के नाते मैं अपना नैतिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। जो जानकारी मुझे मिलती है या जो मेरा अनुभव है, उस अनुभव के बल पर मैं आप तक मेरी बात पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। मैंने भी हमारे देश की शान, देश के गौरव अभिनंदन वर्धमान जी के लिए कल मिला ही आया था और मैंने उनके लिए भी बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन मैंने एक भी पोस्ट उनके लिए नहीं की, एक भी वीडियो उनका वायरल नहीं किया, ना ही मैंने अपने पोस्ट के द्वारा मैंने उनका कोई संदेश समाज तक, देश के वर्ग तक पहुँचाया। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इस बात से थोड़ा जानकारी रखता था कि यह राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है इस पाकिस्तान का, पाकिस्तान का, आतंकिस्तान का, और यह सत्य भी साबित हुआ है। मैं आप सभी से इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी पोस्ट आपने हमारे वर्धमान जी के लिए किया होगा, अभिनंदन वर्धमान जी के लिए किया होगा, आप वो सारे पोस्ट डिलीट कर दीजिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था विश्व स्तर से, जो वो कहीं ना कहीं 2-5% सफल भी हुआ है। आज मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, और लेकिन जैसे मुझे पता चला, मुझे ये समझ में आया, तो मैंने सबसे पहले अपनी पोस्ट अपने वॉल पर की और पेज पर भी की मैंने, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ, एक भारतवासी हूँ, और जब मैं अनैतिकता को देखता हूँ कि मेरे भारत में छेद विच्छेद करने वाली प्रवृत्तियाँ जब जागृत होती हैं, तो मेरा कर्तव्य और मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं आपको सचेत करूं। शास्त्र कहता है, आगम कहता है, वेद कहते हैं कि सोए हुए सन्यासी को, सोए हुए सन्यासी को आप नींद से उठा देना चाहिए, क्योंकि सन्यासी अगर सोया है तो पुण्य सोया है आपका, आपका तकदीर सोया है, आपका भाग्य सोया हुआ है। लेकिन अगर आपने उस सन्यासी को नींद से जगा दिया तो वह आपको प्रेम की भाषा, देश प्रेम की भाषा, धर्म प्रेम की भाषा ही सिखाएगा, आपको हित की भाषा ही सिखाएगा। लेकिन अगर आप किसी शेर को उठा देते हैं तो शेर आपको मार देगा। मैं भी एक सन्यासी हूँ और मैं अपना निजी कर्तव्य करता हूँ। चाहता तो मैं आप जैसे बहुत अच्छे आश्रमों में, बड़े बड़े आश्रमों में रहता, लेकिन उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। मैं अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से मोह नहीं करता हूँ, यह त्रैकालिक सत्य है। लेकिन देश की जो परिस्थिति है विषम, उसे देखकर बड़ा डर लगता है, बड़ा दुख होता है। डर इस बात का कि मेरे आने वाले भविष्य को हम क्या सीख देंगे, क्या सिखाएंगे। बहुत सारे भीमटे, चिमटे, मीमटे, ये मुल्ले, कठमुल्ले, जयचंदू की औलादे बड़ा आनंद ले रहे हैं, हमारे मोदी साहब को टारगेट कर रहे हैं। मैं सभी भाइयों से नम्र अनुरोध करूंगा कि इस कांग्रेस की औकात आपको दिखानी होगी। जो मोदी विरोध की बात करता है, उन्हें आपको उनकी औकात दिखानी होगी। विंग कमांडर हमारे अभिनंदन वर्धमान की एक फर्जी पत्नी बनकर के एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि सबसे बड़ा संगीन अपराध है, सबसे बड़ा गुनाह है, किसी की फर्जी पत्नी बनना। वह भी इस लोकतांत्रिक देश के सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए उस व्यक्ति की पत्नी बनकर के, फर्जी पत्नी बनकर के, इस प्रकार से जो प्रोपगंडा उस व्यक्ति ने चलाया है, जो आम आदमी पार्टी से संबंधित है, यह बड़ा दुर्भाग्य है कि ये पार्टी इतनी गिर गई, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये इतने गिर गए हैं। बड़ा दुख है कि सत्ता पाने के लालच में ये देश को बेचना चाहते हैं, लेकिन हमारे होते हुए, आपके होते हुए, हम देशभक्तों के होते हुए, आप देशभक्तों के होते हुए, ये देश झुकेगा नहीं। मोदी साहब जैसा प्रखर नेतृत्व हमें मिला है, वह मेरे देश को झुकने नहीं देगा। तो साथियों, बस मैं आपका समय नहीं लूंगा। मैं जानता हूं कि आप निद्रा में होगे, लेकिन फिर भी उतनी नींद तो आपकी नहीं होगी। आप आज बड़े प्रसन्न हो कि हमारे देश का एक सिपाही लौट करके मेरे देश में आया, लेकिन कितना टॉर्चर उसके साथ हुआ है। वह जल्दी अपने बयान से हम सभी तक वह मैसेज पहुँचाएगा। तब तक आप धैर्य बनाए रखें, और जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं, बस इतनी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, आपने
वर्तमान अभिनंदन जी के लिए जितने भी पोस्ट की होगी वो सारी पोस्ट डिलीट कर दीजिए। आप मुझे जानते हो, मैं कोई भी देशहितवादी पोस्ट को चुकता नहीं, मैं करता ही हूँ। मैंने एक भी पोस्ट किया नहीं है, मैंने केवल लाइव आया था ना, मैंने उनका समर्थन किया था, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जानता था कि पाकिस्तान उसकी नीच हरकत करेगा। जैसे जिनेवा एग्रीमेंट है उसके अनुसार सैनिक जब बॉर्डर क्रॉस करके शत्रु के स्थान पर पहुंच जाता है तो उसे लौटाना ही पड़ता है, यह एक नियम है। लेकिन हम जानते हैं मेजर कालिया के साथ क्या व्यवहार किया था। जब कांग्रेस का शासन था तो इस पाकिस्तान ने जिनेवा एग्रीमेंट को धुतकार दिया था, नकार दिया था, स्वीकार नहीं किया था, और मेजर कालिया के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके, हाँ रणजीत भारती जी, मैं तो जागता हूं, मैं 3-4 बजे तक सोता नहीं हूं, मेजर कालिया के टुकड़े टुकड़े करके इन्होंने लौटाए थे। अगर आज मोदी साहब न होते तो अभिनंदन वर्धमान के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े ही हमारे यहाँ भेजे जाते, लेकिन मोदी साहब की एक हुंकार से अगर हमारे पायलट को कुछ भी हानि पहुँचती है तो तुम्हारा पाकिस्तान बचेगा नहीं, बड़ा दंड भुगतेगा। बस यह डर, यह धमकी ही असरदार साबित हो गई और 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान सत्ते में आ गया और उन्होंने ये कार्रवाई जल्दी से जल्दी की। लेकिन जिस प्रकार कहते हैं ना, बिच्छू अपना दंश, सांप अपना विष कभी भी देना नहीं भूलता, उसी प्रकार की यह जाती है। और मैं संसार में परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो जाए, पाकिस्तान का नाश हो जाए, पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे से गायब हो जाए। वहाँ की जनता से न अब हमें प्रेम है, न वहाँ के किसी संस्कृति, जो है ही नहीं वहाँ पर, जहाँ केवल आतंक के नाम पर धर्म पनपता है, आतंक ही जा धर्म है, उसका नष्ट हो जाना अत्यंतिक आवश्यक है, क्योंकि यह एक पिस्सू है, ये जोक है जो संस्कृति को, सभ्यता को तबाह कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान के बारे में अब कहने की आवश्यकता नहीं। और मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा, पाकिस्तान यह शब्द न कहे, पाकिस्तान बहुत बेहतरीन शब्द है, पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं, पाक, पाक मतलब पवित्र होता है, लेकिन ये तो पापी है, हराम की औलाद, ये पाकिस्तान है। तो मैं सबसे इतना ही दिल से अनुरोध करूंगा कि आपने जितने भी वीडियो अपने पोस्ट के जरिए, अपने फेसबुक के जरिए अपलोड किए होंगे, वे सारे के सारे डिलीट कर दीजिए। बगैर जानकारी के आप पोस्ट फॉरवर्ड मत करें। हम हिंदुस्तानी इतने मूर्ख है, चाहे आप हो, मैं हूं, मैं तो नहीं आता हूं मूर्ख की लिस्ट में, क्योंकि मैं बगैर जानकारी कोई जान मैसेज नहीं करता, कभी कभी चुकता होगा मैं, लेकिन आप लोगों की इतनी बड़ी कमजोरी है कि बस होड़ रहती है कि मुझे लाइक कैसे मिले। मैं इतनी बढ़िया पोस्ट करता हूं लेकिन मेरे लाइक कितने हो गए, 100-150, कभी कभी 200, अति हो जाता है तो 500 तक मेरे लाइक पहुंचते हैं, जबकि मेरे लिस्ट में हजारों लोग जुड़े हुए हैं। एक कोई लड़की अगर कोई पोस्ट करती, कोई एक सुंदर सी स्त्री अगर पोस्ट करती है, अगर उसे छींक भी आ जाती है तो हजारों वैद्य, हजारों डॉक्टर पैदा हो जाते हैं उसको राय देने के लिए। लेकिन एक सन्यासी आपके पास अच्छे अच्छे विचार लेकर के आता है। मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ पोस्ट बनाने के लिए, आप तक अपने विचार बना रखने के लिए। एक पोस्ट बनाने के लिए कम से कम मुझे 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन वह मैं 20 मिनट आपके लिए देता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि मुझे लाइक करे, मैं लाइक के लिए और कमेंट के लिए कभी भी मैं अपनी पोस्ट नहीं करता, मैं केवल आपको जगाना चाहता हूँ। मुझे आपके आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं देशभक्ति का प्रसाद ही आपसे ग्रहण करना चाहूँगा। अगर आप मेरी बातों को मानते हो, अगर आप मुझे अपना धर्म गुरु मानते हो, धर्म पिता मानते हो, मित्र मानते हो, पुत्र मानते हो, जो भी आप मुझे, जिस नज़र से आप मुझे देखना चाहते हो, मुझे स्वीकार है। बस मैं आपको इतना ही निर्देश देना चाहूँगा कि देश विघातक कार्य कदापि न करें। और यह जो पनप रहे हैं अब 2 महीने, क्योंकि चुनाव का जो समय है, बहुत सारे भ्रांतियां फैलाई जा रही थी कि चुनाव का समय आगे धकेला जाएगा, चुनाव रद्द किए जाएंगे, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं चुनाव अप्रैल महीने में होगे ही, इसे टाला नहीं जा सकता, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव भी टाले नहीं जाते ही, सरपंच पद के चुनाव भी जल्दी टाले नहीं जाते, यह तो लोकसभा का प्रश्न है। लोकसभा के चुनाव अब बहुत जल्दी होगे और हम चाहते हैं कि अप्रैल माह जल्दी आए,
और यह किच-किच पिच-पिच खत्म हो जाए, हमारे भी कार्य थोड़े से कम हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं और पूरा विपक्ष जानता है, कांग्रेस ही जानते हैं, ये आम आदमी पार्टी वाले जी आम ही है, ये चूसा हुआ आम है, ये सब जानते हैं कि माहौल अब ऐसा बन चुका है, जो कि था ही, लेकिन ये जानते हैं कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के हृदय में अब यह भावना जागृत है कि वो मोदी को किसी भी हालात में हमसे दूर नहीं जाने देंगे। और वो ये भी जानते हैं कि अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री हो जाते हैं तो इन सारों की दुकानदारी तो बंद होगी ही होगी, लेकिन सारे जेल में जरूर जाएंगे, ये शाश्वत सत्य है। और इसी डर के कारण फर्जी अकाउंट बना बना करके, फर्जी पोस्ट बना बना करके ये मानसिक शोषण कर रहे हिंदुस्तान की जनता का। और हम इतने मूर्ख है नहीं कि हम किसी की बातों में आकर के अपना मनोबल तोड़े और दूसरों का मनोबल तोड़े। मैं एक सन्यासी हूँ, मैंने मेरे जीवन में कभी भी लाइव आकर के गाली नहीं दी है, पोस्ट के जरिए कभी कभी दे देता हूँ, लेकिन अब मैं मेरी मर्यादाओं को तोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ साम दाम दंड और नीति, इसके अनुसार आगे की क्रिया हमें भी करनी होगी। क्योंकि जो व्यक्ति जानवर को मारना हो तो आपको चुनाव आयोग ने साफ मना किया है, चुनाव आयोग। आर्यन सिंह जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मुहर लगा दिया आपने मेरे बात को, बहुत धन्यवाद। जानवर को मारना है तो जानवर बनना पड़ता है। मैं जंगली जानवरों के बीच रहता हूँ तो मैं बड़ा खूंखार हो जाता हूँ जब जंगली जानवर मेरे सामने आते हैं। अगर मैं उनके सामने महावीर बनकर के जाता हूँ, उनको कहूँ कि ना मुझे नुकसान ना पहुँचाओ, तो वो मेरी हत्या कर देंगे, मुझे अपना ग्रास बना लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से मैं उनके साथ व्यवहार करता हूँ, आप देखोगे तो दोबारा मुझ पर मेरे पास लौटने का प्रयास ना करोगे। मैं यही कहूँ कि जहर को जहर काटता है, अमृत को अमृत ही प्रिय होता है। और यह जो मानसिक विदूषक है, मानसिक जोकर है, यह जो लोग हैं विचारिक, जिनकी दूषित क्रांति जिन्होंने अपने दिमाग में पाल करके रखी है, ऐसी कांग्रेसी विचारधारा को हमें नष्ट करना होगा अपने विचारों से, अपनी शांति से। और जितने भी लोग लाइव आ रहे हैं अभी, मेरे सभी हितैषी, जितने लाइव आते हैं सारे मुझे जानते हैं और सभी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अगर मैं किसी के लाइव पर जाता हूँ तो मुझे तत्काल जोड़ते हैं। मेरा सभी को बहुत बहुत प्रेम भरा आशीर्वाद। बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अब कल से अगर आपको हिंदुस्तान से प्रेम है तो यह लाइव आना बंद कर दीजिए, इस विषय पर आना बंद कर दीजिए। जब तक मुहर नहीं लगती, जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी का वक्तव्य हम नहीं सुनते, जब तक हम अभिनंदन वर्धमान जी का वक्तव्य नहीं सुनते, तब तक किसी प्रकार से टिप्पणी नहीं दे। जाते जाते बस इतनी ही बात कहूँ कि किसी भी हालात में अब आप लोग जो आपने पोस्ट की होगी उसे तत्काल डिलीट कर दीजिए। और जो जो मुझसे संबंधित, जो जो मेरे अपने हितैषी है, आपसे संबंधित हितैषी है, उनके कमेंट बॉक्स में जाकर के मेरा स्क्रीनशॉट निकालिए, आप वहां पर डालिए और कहिए कि आपके गुरुदेव का यह मैसेज है और आप इस पोस्ट को डिलीट कर दीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी ने मेरा साथ दिया, ऐसा ही देते रहिए, भारत को हम उन्नत बनाएंगे। सैनिक हमारे देश में शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है, पुलिस विभाग बेचारे अपना सब परिवार छोड़ करके हमारी रक्षा अंदर करते हैं, और हम आपकी रक्षा सन्यासी होने के नाते हर प्रकार से करने का प्रयास करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। इसमें किसी भी प्रकार से कोई अड़चन आएगी तो ईश्वर उस अड़चन को दूर करने का प्रयास करेगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम।